देखिए जी, गुड़गांव के अंदर कोई बिल्डअप फ्लोर का घर देखता है ना, तो उसकी पहली रिक्वायरमेंट आती है कि मेरे को गेटेड के अंदर घर मिल जाए, दूसरा कि पावर बैकअप मिल जाए, और तीसरा अगर पूरा एक कम्युनिटी है, पूरी एक सोसाइटी बनी हुई है तो उसको कहना क्या। तो आपके लिए मैं एक ऐसी यूनिट लेकर आया हूँ बहुत बेहतरीन लोकेशन पे, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे, मॉल मार्केट सारी चीज अपने पास में, स्कूल अपने पास में। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा चलते हैं हम वीडियो पे, आपको फ्लोर दिखाते हैं क्या चीज कैसे। तो लेट्स गो। Don't play with my heart, just let me go, please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open skies and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. फ्लोर की एंट्रेंस है, दो फ्लोर हमारे कंबाइन बने हुए हैं, 300 स्क्वायर यार्ड एंड ये इसकी लिफ्ट है, तो दोनों की अलग लिफ्ट है, एक ही लिफ्ट नहीं है। अब हम चलते हैं फ्लोर के अंदर ही, आपको मजा आ जाएगा फ्लोर देख के। मैं इस दरवाजे को करता हूँ बंद एंड एक लुक आप लीजिए फ्लोर की, क्या प्यारी चीज बनाई हुई है आपको मैं देखिए वीडियो में एक चीज बता देता हूँ। अपना जो भी काम है फर्नीचर हम हटा देते हैं, सोफा हमने हटा दिया, डाइनिंग टेबल हमने हटा दिया एंड उसके बाद जो रूम्स के अंदर बेड है वो हटा दिए, बाकी अपने को एज इट इज सारा काम मिलेगा। जो हम देख रहे हैं एसीज हो गया या फिर जो ऊपर शैनलेट्स वगैरह हो गया सभी हमें मिलती है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो, आपको पहले लेआउट बता देता हूँ। यहाँ से कि हमने एंट्री, ये ड्राइंग डाइनिंग का बहुत बड़ा स्पेस निकाला हुआ है, सामने हमारा किचन आ गया, एक बेडरूम ये है, दो बेडरूम पीछे, एक वो वाला, एक यहाँ पे एंड एक बेडरूम आ गया अपना सामने की तरफ। तो लेआउट मैंने आपको बता दिया है सारी चीज़ें। अब मैं शुरुआत करता हूँ देखिए फ्लोर दिखाने की आपकी। फ्लोर में जो हमें कलर टेक्सचर मिलता है, वॉल मोल्डिंग सा काम कराया हुआ है, बहुत प्यारा काम इन्होंने कराया हुआ है। उसके बाद अगर हम सीलिंग का काम देखें, सीलिंग पे भी बहुत प्यारा इन्होंने काम किया हुआ है, शैनलेट्स वगैरह ये हमें एज इट इज़ मिलेगा, जो भी हम पैनलिंग वगैरह देख रहे हैं ये हमें सारी चीज़ें मिलती है। ड्राइंग डाइनिंग का बहुत बड़ा स्पेस दिया हुआ है, एसीज अपने को मिलेंगे, दो एसी के अराउंड अपने को मिल जाएगा, वो आप अपने चॉइस के हिसाब से लगा सकते हैं जहाँ पे आप चाहो। उसके बाद डाइनिंग स्पेस हो गया या फिर ये पीछे वॉलपेपर, वॉलपेपर अपना चॉइस का है, आप जो बोलेंगे वो वॉलपेपर लग जाएगा। ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस आप देखिए बहुत ही लार्ज स्पेस दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ से खड़ा होकर दिखाता हूँ कितना बड़ा अपने को ड्राइंग डाइनिंग का स्पेस मिल जाता है। बहुत ही मतलब एक लग्जरी चीज़ है, शानदार चीज़ है, आपको देख के मज़ा आएगा, बहुत ही शानदार। देखिए ये एक सोसाइटी का ओवरव्यू चला हुआ है यहाँ पे, ये एलिवेशन है फ्रंट का, तो आपको फ्रंट एलिवेशन भी देख के पता लग रहा होगा क्या चीज़ है। बहुत ही प्यारी लोकेशन के अंदर बहुत प्यारी चीज़ आई हुई है। देखिए मैंने आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग दिखा दिया है, अब डाइनिंग की बात होगी तो हम इसके किचन में भी चले देते हैं। किचन अपना फुल्ली लोडेड रहेगा फेबर के किचन में, अप्लायंसेस सारे, चिमनी, हॉब, माइक्रोवेव, ओटीजी, सारी चीज़ें फेबर की है। अगर मैं बात करूँ फिटिंग्स की किचन के अंदर, तो हैटिक की इन्होंने फिटिंग लगाई हुई है, कंपनी फिटेड है एंड सॉफ्ट क्लोजेट्स के साथ ये सारा काम है। एंड ये आ गया इसका पेंट्री, पेंट्री भी देखिए आप इनॉक्स की पेंट्री है एंड क्वालिटी ऑफ वर्क आपको देख के समझ आएगी बहुत प्यारी है। किचन का कलर बड़ा अच्छा है इसका, बहुत ही शानदार सिंपल सोबर सा, और बहुत देखिए एक स्काई ब्लू टाइप में, और जो ये वाइट टॉप है अलग लुक दे रहा है, बहुत ही शानदार चीज़ बनाई है बिल्डर ने। मैंने आपको इसका ड्राइंग डाइनिंग एंड किचन तो दिखा दिया है, अब हम चलते हैं बेडरूम्स के अंदर। ये आ गया हमारा जी पहला बेडरूम और ये है हमारा मास्टर बेडरूम। तो मास्टर बेडरूम का आप साइज़ देखिए, आप पूरा किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पे भी इतना स्पेस बच जाता है एंड वहाँ पे भी कि हम एक सोफ़ा डाल सकते हैं, छोटा सा काउच डाल सकते हैं। वॉल मोल्डिंग्स का बहुत प्यारा काम है, टीवी कैबिनेट वगैरह अपने को मिलती है एंड जो काम देख रहे हैं हम पीछे वॉल्स पे, जो भी ये सारा अपने को एज इट इज़ मिलता है। इसके बाद हम स्टोरेज की अगर बात करें, स्टोरेज बहुत अच्छा दिया हुआ है, दीवार में बिल्कुल ऐसे मिक्स हो जाती है चीज़ें कि स्टोरेज मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं घेरती है और देखने में बहुत प्यारी लगती है। इसके बाद हम आगे इसके बाथरूम के अंदर, बाथरूम का आप साइज़ देखिए क्या प्यारा बाथरूम का साइज़ है, जैकवार की हमें फिटिंग मिलती है पूरे घर में और साइज़ आप देखिए पूरा जैकवार का यूज़ किया हुआ है, सारी फिटिंग वगैरह वैनिटी जो भी अपना डब्ल्यूसी वगैरह सारी चीज़ें जैकवार, बहुत ही शानदार काम है, बहुत प्यारा काम है। ये वाला बेडरूम पीछे वाली बालकनी को भी अटैच करता है, पीछे बालकनी पर हम एक बार चलते हैं।
या अगर हम इसके बैक बालकनी के अंदर, बैक बालकनी में आप देखिए क्या प्यारा हमें स्पेस मिल जाता है, लगभग 5x6 की बालकनी पीछे मिल जाती है। और इसका बेस्ट पॉइंट क्या है कि पीछे हमारे घर नहीं है, पीछे रोड है, तो बहुत बड़ा स्पेस मिल जाता है, वेंटिलेशन हमेशा रहेगा, ये रूम है पूरे में वेंटिलेशन पूरी रहेगी, बहुत ही बेहतरीन, जो कि हमारी बालकनी किचन से भी अटैच है, तो किचन को भी ये अपना अटैच करती है और वेंटिलेशन किचन से भी पूरा रहेगा। एक बेडरूम हमने देख लिया है, अब हम आगे इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। ये भी आप देखो पूरा किंग साइज़ का बेडरूम में बेड लगा हुआ है, एंड जो काम आप देख रहे हो सिंपल सोबर है और बहुत इस रेट में ये चीज़ मिल रही है ना आपको, तो मज़ा आ जाता है जी। बहुत ही बेहतरीन स्पेस के अंदर बहुत प्यारी चीज़ें मिल रही है हमें। ये इसका बाथरूम है, बाथरूम का स्पेस अभी देखिए, आपको देख के पता लग जाएगा कितना बड़ा बाथरूम का स्पेस हमें मिल जाता है। जैक्वार की सेम वही फिटिंग है हमारे बाथरूम्स के अंदर भी। ये अपना दो बेडरूम मैंने आपको दिखा दिए, इसके बाद हम चलते हैं अपना बेडरूम नंबर 3 के अंदर। ये हमारा गेस्ट बेडरूम है जो कि कॉमन वॉशरूम के साथ है, आता है चीज़। एंड इसका भी आप साइज़ देखिए, साइज़ मतलब मैं बार बार नहीं बोलूँगा यार, साइज़ तो बहुत प्यारा दिया हुआ है और देख के आपको समझ आएगी ये चीज़। तो नीचे दिया हुआ नंबर है, आप मेरे को कॉल करो यार, ये चीज़ ज़रूर देखो। लोकेशन वाइज बहुत प्यारी है, पार्क हमारे बिल्कुल सामने है। ये आ गया इसका बाथरूम, ये वाला बाथरूम कॉमन है, सेम जैसे मैंने आपको बताया जैक्वार की हमें फिटिंग मिलती है। और बाथरूम का आप साइज़ देखिए, सारे उसमें बाथरूम में जैक्वार ही यूज़ किया हुआ है। इसके बाद हम आगे अपना वही सेम ड्राइंग डाइनिंग में, यहाँ से हम एग्जिट लेके इस रूम से हमने वहाँ से एंट्री ली थी, एंड यहाँ से हम बाथरूम से एग्जिट आ गया। ये अपना वही ड्राइंग एंड डाइनिंग का स्पेस आ गया। इसके बाद ये आप काम देखिए, ये मिरर का जो काम है हमें एजिटेज मिलेगा, तो वही है कि बहुत प्यारा ये हमें काम मिलता है। और जो भी देख रहे हैं हम फ्लोर के अंदर जो भी काम है सब कुछ अपने को एजिटेज मिलेगा। ये इसके बाद हम आगे एक और बेडरूम के अंदर, ये भी मास्टर बेडरूम आप मान लीजिए, साइज़ बहुत प्यारा है इसका भी, पूरा किंग साइज़ बेड लगा हुआ है। और बात करूँ मैं ये टाइलिंग है नीचे वुडन टेक्सचर्स, तो वुड वाली अपने वो फील देती है और क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन। सेम वही स्टोरेज ग्रे कलर की हमें प्लाई यहाँ पे यूज़ की है, एंड स्टोरेज पूरा मिल जाता है। इसके बाद हम बात करें जो एक काम करा हुआ है, तो सिंपल सोबर और इससे बेहतरीन इससे प्यारी चीज़ नहीं आई हुई है जी मार्केट में भी। बहुत तेज़ी से माल बिका है और बहुत तेज़ी से बिक रहा है। और बिल्डर की अगर मैं बात करूँ, बिल्डर की प्रोफाइल की बात करूँ, वो भी बहुत A1 है। आपको मैंने ये वाला बेडरूम दिखा दिया, अब चलते हैं इसके बाथरूम की तरफ। ये देखिए आप, बाथरूम कोई भी छोटा नहीं है, सभी बाथरूम के स्पेस बहुत बड़े हैं। जैक्वार की फिटिंग देते हैं हमें, और जो भी टैप्स वगैरह और WC वगैरह सारी चीज़ें जैक्वार की लगी हुई है, तो आपको देख के मज़ा आ जाएगा। बहुत प्यारा फ्लोर है, बहुत प्यारी चीज़ है। इसके बाद हम चलते हैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। देखिए आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मॉस्किटो नेट अपने को मिलते हैं फ्रंट एंड बैक दोनों बालकनी के साथ। अगर हमें वेंटिलेशन, देखिए होता क्या है कि पूरा दिन इसको बंद करके नहीं रख सकते, कांच को वेंटिलेशन चाहिए होता है, उसके लिए प्रॉपर मॉस्किटो नेट वगैरह सारी चीज़ें बिल्डर ला के दे रहा है। अब हम चलते हैं अपनी फ्रंट बालकनी की तरफ। ये आ गया हम फ्रंट बालकनी में, एंड इसका आप साइज देखिए, ये भी लगभग 5x6 की बालकनी अपने को मिल जाती है। एंड सोसाइटी का व्यू आप देखिए, वहाँ पे हमने पूरी यूनिट्स सोल्ड कर दी है, वहाँ पे सारी पोजीशन दे चुके हैं, लोग रह रहे हैं वहाँ पे। सामने अपना पार्क है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया हो गया, ये यूनिट अभी अपनी सारी बन रही है। तो जी बहुत अच्छी चीज़ आई हुई है, बहुत अच्छे रेटों में आई हुई है, लोकेशन वाइज A1 चीज़ है, तो देरी मत कीजिए इस फ्लोर के लिए। तो आप बताइए आपको ये फ्लोर कैसे लगा है। ये यूनिट है हमारे पास, बहुत प्यारी बहुत ही शानदार चीज़ें आई हुई है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी है, तो आपको जो नीचे नंबर दिया हुआ है ना, एक बार उसको आप कॉल जरूर करना। आपको जो भी सजेशन है, जो भी कुछ भी पूछना है किसी भी बजट के अंदर, और इसमें तो आई हुई है अपने पास बहुत प्यारी चीज़ बहुत अच्छे रेट में, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करो। अपना कोई भी दोस्त है जो गुड़गांव के अंदर बिल्डअप फ्लोर देख रहा है और बजट में चीज़ें देख रहा है, तो जी उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फ्लोर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।